नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। और आज हम लोग सभी जो हैं यहाँ ताड़ की शक्ति में आ रखे हैं, और यहाँ पर मेरी फैमिली और मेरे दीदी लोग, मेरा भांजा और भांजे की वाइफ यहाँ पर अभी आए हैं। नई नई शादी हुई है और ये मंदिर को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, मंदिर का दर्शन करने के लिए आए हैं। ताड़केश्वर महादेव एक भाई साहब जी हैं और सब यहाँ पर मंदिर का दर्शन करने के लिए आए हैं। देखते हैं आज का वीडियो कैसा लगता है सबको। यहाँ से शुरू हो जाता है ताड़केश्वर महादेव का यह रास्ता, करीबन 500 मीटर के आसपास का यह रास्ता है। और सबसे आगे बड़े भाई साहब जी हैं, बाबा जी लोग हैं, सभी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए। तो देखते हैं सुमन दीदी के साथ हम लोग भी। दीदी जो है जब भी आती है सबको साथ में लाती है अपने। काफ़ी आनंद के साथ सब लोग काफ़ी मस्ती के साथ यहाँ बना रखे हैं। ये जो है ऊपर यहाँ देवदार के काफ़ी अच्छे वृक्ष हैं, काफ़ी अच्छे पेड़ हैं। देवदार यहीं काफ़ी पाया जाता है। और मंदिर का दूसरा गेट यहाँ पर है। यहाँ मंदिर को बहुत ही अच्छा बनाया गया है। पहले यहाँ पर ऐसा नहीं था, लेकिन अब नया रूप मंदिर को दिया गया है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम हो रखा है, काफ़ी लाखों का काम यहाँ पर हो रखा है। यहाँ जो है काफ़ी दूर दूर से पर्यटक आते हैं। मेरी माता श्री यहाँ पर बने क्या देखे हैं उन्होंने, मम्मी पापा। और ये है मंदिर का सेकेंड गेट। यहाँ से रास्ता शुरू हो चुका है। पूरे रास्ते पे ऐसे कवर किया हुआ है कि बारिश के टाइम कोई आदमी यहाँ पर भीग नहीं सकता। प्रोटेक्शन अच्छी तरीके से की हुई है टीम से, ये दीदी और जीजा जी चल टू को छुट्टी और ये भांजा और भाई, ये भाई साहब जी। ये रास्ता शुरू हो गया और हम लोग मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देखते हैं आगे आगे मंदिर का नजारा आपको दिखेगा। काफी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर काफी दूर दूर से पर्यटक आते हैं। तुमने बहुत बढ़िया काम करने से। और यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है ये मंदिर, लेकिन यहाँ पर बंदरों को कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ये बंदर मुझे दिखा मिट्टी खा रहा है, या शायद हो सकता है कुछ कीड़े खा रहा हूँ। जैसी इसकी नज़र हम पे पड़ी उसी पे निकल गया। तो आगे जो है यहाँ पे काफ़ी पर्यटक अन्य स्थलों से भी लोग आ रहे हैं मज़े करते करते।
तो यहाँ पर जो है ये आश्रम है, यहाँ पे ठहरने की उचित व्यवस्था भी है, धर्मशाला और आश्रम भी है। और ये जो है रास्ता नीचे जा रहा है, यहाँ पर कुंड है और नहाने की उचित व्यवस्था की गई है। या बुला मारो उसमें ले लियो सभी। और यह जो आप जगह देख रहे हैं, ये पुरुषों का स्नानगार है। और इसी के राइट साइड में ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है येलो कलर में, तीन सेट ये वाला, ये महिलाओं के लिए बनाया गया है के स्नान के लिए। और यहाँ पर लगता है आज भंडारा भी हो रहा है। और एक कोई जोड़ा दुल्हन यहाँ पर दिख रही है मुझे, थोड़ा जूम करता हूँ, और शायद से इन्होंने यहाँ पर हो सकता है भंडारा दिया हो, तो मुझे लग रहा है तो भंडारा खाने आ रहा है। और यहाँ पर जो है कुछ लोग भंडारा जो करवा रहे हैं, शायद से वो खाना भी बना रहे हैं, खुद खाना बना रहे हैं। और सब लोग यहाँ पर मेरे ख्याल से खाना भी खा ही जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं पानी का कुंड, यहाँ से ये बोला जाता है पानी जो है यहाँ पर स्वच्छ चल रहा है। नमक भी मांगे इसमें ऐसा डाल कर के सिक्का डाल कर जो भी हो, लोग अपनी मन्नत मांगे इस पानी में, इस पानी को अपने के लिए करते हैं। जैसे गंगा जल है उसी तरीके से इस पानी को भी माना गया है, माना क्या गया है, पानी है ऐसा। बहुत सुंदर जगह का सुकून मिलता है ऐसी जगहों पर आकर के। और यह स्थल हमारे उत्तराखंड में कहीं कहीं जो है स्नाना कर रहे लेडीसों का, यहाँ आकर के काफ़ी सुकून मिलता है। लोगों बहुत शांत जगह, बहुत ठंडी जगह, गर्मियों के टाइम पे भी यहाँ पर लोग, ये महीना मई का महीना है जो कि इस महीने बहुत ठंडा यहाँ पर होता है। वाह, ये है उत्तराखंड के वादक ढोल दमाऊ। और यहाँ पर ये देवदार के इतने अच्छे वृक्ष हैं। देवदार बाकी आपको कहीं यहाँ आसपास मिलेगा नहीं, लेकिन इस जगह पे आपको देवदार मिलेगा। काफ़ी सुंदर और ठंडी सुंदर जगह यहाँ पर है। और ये मंदिर आपको ताकि दिख रहा है, मंदिर के और सबके साथ जा रहे हैं। और स्वच्छता का काफ़ी ध्यान यहाँ पे रखा गया है। और आगे मंदिर आपको दिख रहा है, मंदिर को थोड़ा सा जूम किया है, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मंदिर को तो नया रूप इन्होंने दे दिया है, काफ़ी अच्छा बन गया मंदिर।
मंदिर का तीसरा गेट मंदिर के और प्रस्थान में जीजा जी भाई साहब मैंने गलती से कर दी। चलो मंदिर के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ स्टार्ट हुई हैं और ये मंदिर आखिरी गेट है, चौथा गेट, ये भी नया बना है। और ये है मंदिर तारकेश्वर धाम कहा गया है और तारकेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, आपके हरियाणा, राजस्थान और ये दिल्ली, गुड़गांव, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। बाहर से लोग आते हैं। देखिए आप यहाँ पर, अभी तो हम सुबह के टाइम आ गए हैं लेकिन यहाँ पर लगभग सैटरडे और संडे के दिन काफ़ी भीड़ थी। सैटरडे है तो थोड़ी देर में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होने वाली है। देखिए श्रद्धालु किस तरीके से यहाँ पर आ रखे हैं। यह स्थान जो है काफ़ी सुंदर लगता है मुझे, काफ़ी हकीकत यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आता है तो देखना तो इतना अच्छा आपको यहाँ पर लगेगा, आत्मतृप्ति यहाँ पर हो जाती है इंसान, इतना शांत वातावरण, इतना स्वच्छ, इतना अच्छा सुंदर, कहीं देखने को शायद मिलेगा। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, इसको त्रिशूल रूप, इस रूप पेड़ को बनाया त्रिशूल आकर इस पेड़ को मिलावा है। इस पर लिखा भी है शायद से त्रिशूल वृक्ष नाम से कुछ है। अंदर भी
ये जो बंदा है नंदी के कान पे कुछ कह रहा है अपनी मन्नत, बोलते हैं कि ऐसे करने से जल्दी मुराद पूरी होती है। यहाँ पर जो भंडारा चल रहा था, सबसे पहले प्लेट जो है मंदिर के हाथ में देखा, और यहाँ पर भंडारा जो है दिया जा रहा है परमात्मा इनके लिए है, एक मुराद को पूर्ण करे, इतने लोगों को ये खिला रहा है ना, और सब लोगों को भंडारा हाथ को खिलाया जा रहा है। Thank you.
इसकी फोटो जा चले यहां पे चलो यम जो गाड़ी वो कहाँ जाइ वो मत जो दादी तो भगवान इतना फ्यूचर में तेरे को ये नहीं है कि हमारे यहाँ ध्यान रखना है, हो सकता है उनके पेरेंट्स का भी तेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, तो लड़का नहीं तो इतने एडजस्टिंग नेचर के हो गए देखो, मतलब उनको पहले बोल दिया कि तुम्हारे को तेरे को अपने ठीक है कमल आर्यन हाँ ये पहुंच चुके हैं पर रोड पे जहाँ पे गाड़ी रुकी है यहाँ से पैदल का रास्ता जो है नीचे का और यहाँ से गाड़ी है अब यहाँ काफ़ी भीड़ यहाँ पे दिख रही है काफ़ी पर्यटक आते हैं ये गाड़ी हमारे हैं इसमें सबके साथ बैठे गाड़ी भी थोड़ी अच्छी है।
अरे बैठे हुए सबके साथ भोजन बोलो सब्जी खेल सूरत खाओ खाओ गाड़ी में सूरज घर पे पहुंच गए, क्या क्या ला रखे हो बैग में? कुछ नहीं, ये दीवार दीवार देवदार के कैसा लगा तुमको? बहुत बढ़िया, ठीक है। चक्कर और मारेंगे बहुत अच्छा लगा। क्या क्या किया आपने वहाँ पे? अच्छा भंडारा खाया, भंडारा भी खाया। आपने क्या खाया? अरे हमने तो कई रोटी खाई, दो प्रकार की सब्जी खाई, हलवा खाया, पूरी खाई, छोले खाए। और अरे मत पूछ के बाद मत पूछ और क्या। इन बहुत अच्छा लगा। अच्छा भाई तूने क्या खाया? यही